हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 14 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं डेली पीडीएफ ड्रॉप करता हूँ। तो टेलीग्राम में आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ एक साथ मिल सकती हैं। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में डाइनी जॉनसन ये इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बने हैं, ग्रॉसिंग सेलिब्रिटी बने हैं इस वक्त इंस्टाग्राम के। तो ये है डेनी जॉनसन, तो यही अभी इंस्टाग्राम के हाईएस्ट ग्रॉसिंग सेलिब्रिटी बने हैं। तो इनको द रॉक भी कहा जाता है, द रॉक जॉनसन। ही हैज़ इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम विद $ 1.015 मिलियन, जो इंडियन 7.66 करोड़ बनते हैं वो अर्न करते हैं फॉर वन पोस्ट ऑन द वीडियो फोटो वीडियो ऐप। तो उसके अलावा इसी रैंकिंग में कैली वो आए हैं इस पे सेकंड नंबर पे, और थर्ड पोजीशन पे आए हैं पुर्तगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो द अमेरिकन जो द रॉक हैं यानी डाइनी जॉनसन, ही इज़ एन अमेरिकन कैनेडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन एंड रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर एंड फार्मर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर। तो ये थे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डाइनी जॉनसन, जो अभी ग्रॉसिंग सेलिब्रिटी बने हैं इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ओला हैज़ एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद होम टू ऑफर डिजिटल पेमेंट ऑप्शन टू इट्स कस्टमर्स। हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में ओला ने फोन पे इनके साथ एग्रीमेंट किया है टू ऑफर ए डिजिटल पेमेंट ऑप्शन टू इट्स कस्टमर्स। तो अब जो ओला के कस्टमर्स हैं, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, दे कैन नाउ पे फॉर देयर राइड यूजिंग फोन पे। अब वो फोन पे ऐप के थ्रू पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो ओला और फोन पे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओला ये एक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, एंड इट इज़ पीयर टू पीयर राइड शेयरिंग इंडस्ट्री। पीयर टू पीयर राइड शेयरिंग, राइड सर्विस, हेलिंग टैक्सी एंड फूड डिलीवरी, तो ये तमाम इनके काम है। फाउंडेड ऑन 3rd December 2010। फाउंडर हैं इसके भविष्य अग्रवाल, हेडक्वार्टर इनका बेंगलोर इंडिया में है, और भविष्य अग्रवाल ये इसके करंट CEO हैं। तो देन फोन पे ये एक प्राइवेट लिमिटेड है, इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड, और फोन पे इज़ एन इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड ए डिजिटल वैलेट कंपनी। तो एक डिजिटल वैलेट कंपनी है जिसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह की जाती हैं। हेडक्वार्टर इनका बेंगलोर कर्नाटका में। इट वॉज फाउंडेड इन December 2015। फाउंडर हैं इसके समीर निगम, जो इसके फाउंडर भी हैं और करंट CEO भी हैं। देन राहुल चारी, ही इज़ अ को फाउंडर एंड करंट CTO। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड फर्स्ट 5 volumes ऑफ मंगोलियन कंजोर मैन्यूस्क्रिप्ट रिसेंटली एंड हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद? किस मंत्रालय ने मंगोलियाई कंजोर पिंडलिपि के पहले 5 संस्करणों को हाल ही में जारी किया है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो मंगोलियन कंजोर मैन्यूस्क्रिप्ट है उसके 5 volumes रिलीज़ किए हैं। तो मंगोलियन कंजोर देखते हैं ये क्या है। ये एक बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है और इसके 108 volumes है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट इन मंगोलिया। तो मंगोलिया का इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट है ये, और ये मंगोलियन लैंग्वेज में है। तो कंजोर मीन्स कॉन्साइज ऑर्डर्स, और इसमें ज़्यादातर लॉर्ड बुद्धा के वर्ड्स हैं इस मंगोलियन मैन्यूस्क्रिप्ट में। तो अभी ये जो इसके ये काम लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, उन्हें ये डिसाइड किया है कि वो जितने भी इसके 108 volumes हैं उनको वो पब्लिश करेंगे। तो अभी हाल ही में उसी ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 manuscripts, तो ये जो 108 टोटल इसके वॉल्यूम्स हैं उनमें से 5 volumes हैं उनको अभी इन्होंने पब्लिश कर लिया है। और एंड दे हैव प्रेजेंटेड इट टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद ऑन गुरु पूर्णिमा, यानी जिसको धर्मचक्र डे भी कहा जाता है, 4 जुलाई को इन्होंने इसके 5 volumes को प्रेजेंट किया है टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो अब इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इसके जितने भी 108 volumes हैं इस मंगोलियन कंजोर मैन्युस्क्रिप्ट उनको वो पब्लिश करेंगे, और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लिया है। तो इतना आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, और ख़ास करके जो
जो बच्चे कल्चर से रिलेटेड जिनके भी सिलेबस में कल्चर है उनको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नादाउन पुलिस स्टेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री इन विच स्टेट। हाल ही में बदायूं पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किस चुना गया है, तो वह किस राज्य में है, तो वह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का ये पुलिस स्टेशन है नादौन पुलिस स्टेशन, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इनको ही हैज़ बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री, और इनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस भी दिया गया है टू दिस पुलिस स्टेशन बाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पुलिस स्टेशन है। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश मैप के अंदर यूनियन टेरेटरी बनी थी 1 नवंबर 1956 में, देन जनवरी 1971 को ये कैपिटल बनी थी, स्टेट बनी थी 25 जनवरी 1971 में। कैपिटल यहाँ की शिमला धर्मशाला, गवर्नर बंडारो दत्तात्रेय, देन चीफ मिनिस्टर यहाँ के जयराम ठाकुर। कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए हैं, यहाँ पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं वो हैं शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, खजौर, कुल्ली एंड कसौली। तो यह यहाँ के कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर मोर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट्स। तो यहाँ के फाइव ड्रेनेज सिस्टम मोस्ट, यानी जो फेमस यहाँ के रिवर्स हैं तो वो हैं रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज एंड यमुना। तो ये यहाँ के फाइव रिवर्स हैं। सम ऑफ द पॉपुलर लेक्स इन हिमाचल प्रदेश आर कजायर लेक, रेणुका लेक, धनकर लेक, चंदारा ताल लेक एंड सूरज ताल लेक। एंड यहाँ के कुछ नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिरीगन नेशनल पार्क एंड इंदरकिल नेशनल पार्क, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। तो यहाँ के कल्चर से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट, पीछे हमने पूरा ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देखे, अब कुछ कल्चरल फैक्ट देखते हैं। तो फेमस मोनार्क इन हिमाचल प्रदेश है यहाँ गुरु घंटल मोनेस्ट्री, टैबो मोनेस्ट्री, धनकर एंड लहोलांग मोनेस्ट्री यहाँ के फेमस मोनार्क हैं। देन फेमस चर्चेज एंड हिमाचल प्रदेश हैं सेंट माइकल कैथेड्रल चर्च, क्रिस्ट चर्च, देन जॉनसन चर्च। उसके अलावा फेमस गुरुद्वारा इन हिमाचल प्रदेश हैं, ये तमाम इनके आप खुद स्क्रीन शॉट लेके इनको आप खुद पढ़िए, क्योंकि अगर आप मैं सबको पढ़ता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ यहाँ के मैन फेस्टिवल्स हैं, ये यहाँ के तमाम मैन फेस्टिवल्स हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। देन फेमस फेयर्स इन हिमाचल प्रदेश हैं ये, देन डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश है गुग्गा डांस, गुरही डांस एंड कुल्लू नाती डांस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश, खास करें जो बच्चे फोर्थ क्लास से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द फॉर्मर मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सुरेश अमोनकर हैज़ डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है। तो अभी हाल ही में गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सुरेश अमोनकर, इनकी डेथ हो गई है और ये कोरोना वायरस की वजह से हुई है। तो यहाँ आपको इनका नाम याद रखना है। तो गोवा से रिलेटेड, ये गोवा के थे, तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विद इन द रीजन, ये इसको कनकुन कहा जाता है। ज्योग्राफिकली इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम डेक्कन हाईलैंड बाय वेस्टर्न घाट्स। इट इज़ इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन। तो गोवा को बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया के लिए भी रैंक किया गया था ऑन द टॉप। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया, इसको टॉप पोजीशन मिली थी गोवा को, एंड इट वाज रिलीज्ड बाय नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन बेस्ड ऑन 12 इंडिकेटर्स। तो इसमें गोवा टॉप रैंक पे आया था। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट हुई थी 1987 में, कैपिटल पनाजी, गवर्नर सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रमोद सावंत। तो कुछ यहाँ के मेजर रिवर्स हैं, 7 मेजर रिवर्स, जौरी, मंडोवी, तेरेखोल, चपोरा, गलीबाग, गलगीबाग, देन कुंभरजाओ कैनाल एंड तुलपोना एंड साल, यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो यहाँ का जो कल्चर है उसको गॉन कैथोलिक कल्चर कहा जाता है बिकॉज इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ पुर्तगीज़ एंड इंडियन कल्चर। तो यहाँ जो कल्चर है वो इंडिया और पुर्तगीज़ का जो कल्चर है उसका एक मिक्सचर है। यहाँ पुर्तगीज़ आए थे 1510 में, उसके बाद उन्होंने यहाँ अडॉप्ट किया पुर्तगीज़ कल्चर, लेकिन उनमें उसने उन्होंने कुछ हिंदू कास्ट सिस्टम और फ्यू अदर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस उनको भी रिटेन किया। तो इसलिए ये यहाँ का जो कल्चर है गोवा का कल्चर, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ पुर्तगीज़ एंड इंडियन कल्चर, तो जिसको गॉन कैथोलिक कल्चर भी कहा जाता है। तो कोंकणी इट इज़ द मेजर लैंग्वेज इन दिस एरिया, इन दिस स्टेट।
और यहाँ के जो ट्रेडिशनल फोक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं वो है फुजी डेकिनी, देन देशवतारा, कोरिंडिनो एंड अदर्स, दीज आर द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स ऑफ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द बिल्डिंग ऑफ IARI झारखंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर होम, हाल ही में IARI झारखंड का भवन है उनका नामकरण किस नाम पर किया गया है। तो अभी IARI इसका जो नाम है इसका बदल कर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। तो ये सेंटर ने अभी हाल ही मंडे में ये अनाउंसमेंट की कि जो यहाँ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक बिल्डिंग है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो झारखंड की, इसका नाम रखा गया है आफ्टर भारतीय जनता संघ फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनता संघ, भारतीय जनसंघ के जो फाउंडर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाम से इस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक बिल्डिंग का नाम रखा गया है ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो IARI ये क्या है, इट इज़ द इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, ये इसकी फुल फॉर्म। तो फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1905 में और इसका पर्पज़ है एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। लोकेशन इसकी पूसा दिल्ली में, डायरेक्टर हैं इसके इस वक्त करंट डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड IAIBA रैंकिंग्स, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में जो AIBA रैंकिंग जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, तो इसमें अमित पंघाल ने टॉप रैंक इसमें इनको आया है। तो अमित पंघाल, ही इज़ एन इंडियन बॉक्सर एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट। अमित पंघाल, ही हैज़ क्लाइम्ड अप द लीडर बोर्ड ऑफ टू द फर्स्ट स्पॉट इन द रैंकिंग रिलीज्ड बाय एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA, ये इसकी फुल फॉर्म भी है। तो इसमें इन्हें टॉप स्पॉट इनको मिला है अमित पंघाल को, तो ये आपको याद रखना है। तो AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, या जिसको AIBA भी कहा जाता है, ओरिजिनली द एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सिंग एमेच्योर, इट इज़ अ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट सेंक्शंस एमेच्योर बॉक्सिंग मैचेस एंड अवार्ड एंड अवार्ड्स वर्ल्ड एंड सबॉर्डिनेट चैम्पियंस। तो इसका क्वार्टर है लॉसिन स्विट्ज़रलैंड में, प्रेजिडेंट हैं यहाँ के मोहम्मद मुस्तहसन, ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1946 में। तो ये थी AIBA से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स रिसेंटली, हाल ही में किस देश को चीचक से मुक्त घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में मालदीव्स एंड श्रीलंका को, इन दोनों कंट्रीज़ को, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एंड रिसेंटली। तो पीछे भी मैंने ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ मैंने गलती से मालदीव्स की जगह म्यांमार शायद लिखा था, तो आपको ये ठीक करना है। तो इसमें मालदीव्स एंड श्रीलंका, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स रिसेंटली। तो मालदीव्स एंड श्रीलंका से रिलेटेड मैंने फैक्ट्स वहाँ भी डिस्कस किए हैं, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डिस्कस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स IPPR फॉर्मुलेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तैयार महामारी तैयारी और प्रतिक्रिया यानी IPPR के लिए स्वतंत्र पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसके लिए जो एलाइन जॉनसन शिरलीफ एंड हेलिन एलिजाबेथ क्लॉक हैं, दे विल चेयर द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स। तो ये इसको चेयर करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक फार्मुलेट की है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स, तो इसके लिए इन्होंने एक इंडिपेंडेंट पैनल फार्मुलेट किया है। और इसका क्या काम होगा, टू इवैल्यूएट वर्ल्ड रेस्पॉन्स टू COVID-19 पेंडेमिक। तो वर्ल्ड जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो महामारी फैली हुई है, तो उसमें वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है, उसको ये एवाल्वेट करेंगे। और ये जो पैनल है इसको को चेयर करेंगे फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हेलिन एलिजाबेथ क्लॉक एंड फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया एलन जॉनसन। तो ये दोनों इसको चेयर करेंगे।
while Helen Clark served as the administrator of the United Nations Development Program. On the other hand, the Ellen Sirleaf is a recipient of 2011 Nobel Peace Prize. तो ये भी आपको इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं. तो ये दोनों इस वक्त ये जो पैनल बनाया गया है इसको चेयर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज योप्टिमा वाटसन बटरफ्लाई डिस्कवर्ड आफ्टर 61 ईयर्स. तो 61 साल के बाद योप्टिमा वाटसन तितली इसकी खोज हुई है. तो ये कहाँ पे हुई है, तो ये त्रिपुरा में ये पाई गई है. और 61 ईयर्स के बाद अब ये दोबारा योप्टिमा वाटसन बटरफ्लाई मिली है. तो त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये है मैप में त्रिपुरा रेड कलर. यूनियन टेरिटरी बनी थी 1 नवंबर 1956 में. स्टेट यहाँ स्टेट बनी थी 21 जैन 1972 में. कैपिटल यहाँ की अगरतला. गवर्नर रमेश बायस. जिम्स यहाँ के बिप्लैब कुमार डेब. त्रिपुरा इज द थर्ड स्मॉलेस्ट अमंग 29 स्टेट्स, अभी ये 28 स्टेट्स है. तो इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री बिहाइंड गोवा एंड सिक्किम. त्रिपुरा एंड जमियाता पीपल परफॉर्म गोरिया डांस ड्यूरिंग द गोराई पूजा, ये आपको याद रखना है. तो यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, डोल यात्रा, देन अश्वकाष्टमी एंड द वर्शिप ऑफ चतुर्दशा डाइटीज, दे आर द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ दिस स्टेट. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग त्रिपुरा. तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स. अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन. कल मैंने आपसे पूछा था कि हु बिकेम द 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री. तो जी आकाश, ही बिकेम द 66th ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री. उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि खजुराहो टेम्पल ये कहाँ पाए जाते हैं. तो ये MP में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं. तो लगभग तमाम बच्चों ने इन दोनों के आंसर किए हैं और बिल्कुल करेक्ट किए हैं. तो आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, विच नेशन विल होस्ट द एशिया कप क्रिकेट 2020. 2022 एशिया कप क्रिकेट के जो संस्करण है उसकी मेज़बानी कौन करेगा. तो ये आपको आंसर करना है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या बांग्लादेश. तो 2022 को जो एशिया कप क्रिकेट होने वाला है उसकी मेज़बानी कौन करेगा. उसके अलावा आपने बोलना है कि कैपिटल वेस्ट बंगाल कहाँ है. ये आपके दो, आपके लिए दो टू क्वेश्चंस हैं आज. तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपसे पूछे जिसका आपको आंसर करना है डिस्क्रिप्शन में. तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें. इतना आप काम कर लिया कीजिए, लास्ट पे इन वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें. तो क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना शेयर करोगे उतना आपको खुद को बेनिफिट होगा. तो इसलिए आप कोशिश करें कि इन वीडियोस को बाकी फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट करें, वो भी फ़ायदा उठा सके. ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.